महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज द्वारा हिंसे पिलाटिस जागरूकता कार्यशाला व शपथ ग्रहण समारोह के साथ यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ट्रैफिक ने कॉलेज के छात्रों को यातायात के नियमों और मार्ग दुर्घटना के बचाव से संबंधित कई टिप्स दिए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रों को हिंसे पिलाटिस के रोकथाम और अपने आसपास साफ सफाई रखने को लेकर बच्चों को शपथ दिलाए। इस दौरान छात्रों को हिंसे पिलाटिस से बचाव के कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस मौके पर यातायात विभाग के टीएसआई जगनारायण, कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर प्रसून कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उसकी वजह से प्रदूषित जल से बने हुए पदार्थों से इंसेफ्लाइटिस रोग होता है। ये पूर्वांचल की एक समस्या है। इस समस्या के निजात पाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया है। जगह जगह पर विद्यालयों में और विद्यालयों से हट करके भी एक शपथ ग्रहण जो है हम करते हैं हो रहा है। जगह इस विद्यालय में भी आदरणीय प्रधानाचार्य जी का आदेश रहा है कि इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए हम बच्चों से एक शपथ दिलवाएंगे। आज यह अवसर है सब लोग इकट्ठा। प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। ये जेई और जेईएस के जागरूकता रैली के संबंध में था कि बच्चों को जागरूक करना कि जो ये मस्तिष्क ज्वर के रूप में बीमारी फैलती है कि उससे बच्चों का बचाव कैसे किया जाए, छोटे बच्चों का समाज को जो है कैसे जागरूक किया जाए जिससे इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। यातायात के प्रति भी बच्चों का जागरूक किया गया क्योंकि अब तक तो बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में ही पढ़ाया जाता रहा, बताया जाता रहा। आज बच्चों को यातायात के बारे में भी बताया गया कि यातायात के नियमों का पालन न करने से कि हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक क्या नुकसान होता है और नियमों का पालन करने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ हो रहा है, उसके बारे में बताया गया कि यातायात के नियमों के न पालन करने से जो आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं उसमें जिसकी दुर्घटना हो रही है केवल उसी की क्षति नहीं है, समाज की भी क्षति है, उसके परिवार की क्षति है, उसमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार का नुकसान है।